I got time, it's clear to see. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं यप ब्लॉक के तत्वों का अगला टॉपिक, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे यप ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे गए हैं, कहाँ किस ब्लॉक में और किस स्थान पर रखे गए हैं, कहाँ से ये निकाले गए हैं और किस कारण इन्हें एक नए ब्लॉक में रखा गया है। जो हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उनको नीचे जो दो लाइनें दी गई हैं, पहली लाइन होती है यप ब्लॉक तत्वों की और दूसरी जो सीरीज बनी हुई है पहली लाइन होती है लेंथेनाइट तत्वों की और दूसरी होती है एक्टिनाइट तत्वों को, क्योंकि इन तत्वों को निकाला गया है लेंथनम 57 को और हाफबियम 72 के बीच से। तो दो ही श्रेणी होती है ब्लॉक तत्वों के। और इस चैप्टर में हम आपको एक बात बता दें कि जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से और जो नए जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए, तो समय से आप पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको समय निकालना होगा। आप अदर भी पढ़ते हैं, खुद के लिए अलग पढ़ते हैं और फिर चैनल पर भी पढ़ते हैं, तो चैनल पर पढ़ते हैं उसके लिए समय निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व तो हम पढ़ रहे हैं 7वां चैप्टर। इसके बाद केवल इस किताब के एक ही चैप्टर रह जाता है, वो आपका होगा उप सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के तत्वों में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में डी ब्लॉक पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाएंगे और उसकी भी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई और चारों श्रेणियों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जिसको आप आसानी से बड़ी सरलता से सीख सकते हैं। उसके बाद में हमने इससे पहले वीडियो में दिया है एफ ब्लॉक के तत्व, जिनका हमने आपको याद करने की विधियाँ और ट्रिक आसान ट्रिक भी बताई है, तो उसके माध्यम से आप उन तत्वों को याद कर सकते हैं। दिनचर्या में रोज आप ट्रिक में बोलते रहेंगे तो आपको वो तत्व याद हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फार्मूला और वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसकी सभी शॉर्ट ट्रिक आसान विधि द्वारा आपको बताया है, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं कि लेंथेनाइट तत्वों में जो यप ब्लॉक के तत्व हैं उनको दो श्रेणियों में निकाला गया था, जैसे लेंथनम 57 से हम लिखते हैं हाफनियम 72 के बीच में, यहाँ से 14 तत्वों को निकाला गया तो बनी थी हमारी लेंथेनाइट श्रेणी। और जब हमने निकाला एक्टिनम 89 से रुथरफोर्डियम 104 के मध्य से जो 14 तत्व निकाले गए थे उनके लिए बनी थी एक्टिनाइड श्रेणी। ये दो श्रेणियां मिलकर ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मिलकर ही क्या बनाती हैं यफ ब्लॉक के तत्व, यफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाती हैं। यही हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, और जो स्टूडेंट अभी वीडियो को पिछले को नहीं देखें वो पहले पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, तभी आपके समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेंथनम 57 से हाफबियम 72 के बीच में 14 एलिमेंट गायब कर दिए गए, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिट में कौन सी 4 एफ कक्षा में 14 एक से लेके 14 तक जब तक भरे नहीं गए तब तक उनको लेंथेनाइट सीरीज में रखा गया, और जब 5F में एक से लेके 14 तक नहीं भर गए तब तक उनको एक्टिनाइट श्रेणी में रखा गया था। तो इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और ये चांदी के समान सफ़ेद भी होते हैं, चांदी के समान सफ़ेद होते हैं दोनों प्रकार के ही तत्व, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, और इन्हें आप ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो हम पहले अब पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सभी पढ़ चुके हैं, तो इसके गुणों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले लिखेंगे लेंथेनाइड तत्वों के गुण,
लेंथेनाइड तत्वों के गुण बताएंगे कि आखिर इनकी गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, किस कारण इन्हें आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, पहले था फिर उसके बाद में नहीं मिला है। तो पहले पहले ही पॉइंट होगा नंबर ए पॉइंट लिख लें इसको, आवर्त सारणी में स्थान। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हम जनरली देखते हैं कि आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तत्वों और एक्टिनाइड तत्वों दोनों को कोई स्थान नहीं दिया गया, उनके लिए एक पृथक अलग से दो सीरीजें बना दी गई थी, दो श्रेणियां बना दी गई थी और उन्हें बनाया गया कि ये आवर्त सारणी में नहीं रखे जाएंगे क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। पहली सीरीज थी आपकी लेंथेनाइड, समझते रहिएगा आप कि पहली सीरीज आपकी एफ ब्लॉक में जो 14 तत्वों की थी, 14 तत्वों की सीरीज थी जो सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीटियम पर ख़त्म होती है, तो उन्हें लेंथेनाइड तत्व कहा गया क्योंकि वो निकाले गए थे लेंथनम के बाद में, और यहाँ पर इन तत्वों का नेतृत्व यानी कि इनका नेता लेंथनम ही होता है, इन तत्वों का नेता लेंथनम ही होता है। उसके बाद में जो दूसरी सीरीज ये निकाली गई और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिट में जाने लगा था, एफ सब सेल में जाने लगा था, तो ये तत्व निकाल के आपको नई श्रेणी बनाई गई जिसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। तो हम गुण पढ़ेंगे पहले लेंथेनाइड के बारे में, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे एक्टिनॉइड के बारे में। ये श्रेणी थोरियम से शुरू होकर लॉरेंसियम पर समाप्त हो जाती है, तो ये दोनों श्रेणियों के गुण बताएंगे हम कि सीरियम से स्टार्ट होती है, ये होता है 58 और ये होता है 71, ये होता है 90 और ये होता है 103। तो ये दो श्रेणियाँ जब बनी है तो उनके गुण आवर्त सारणी में, पहले जब मेंडल ने आवर्त सारणी बनाई, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडल अलग है, मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाने वाले हैं। मेंडल हैं जो बायोलॉजी में दिए जाते हैं क्रॉस सेक्शन, यानी कि उन्होंने बनाया था, संकरण कराया था, उन्होंने क्रॉस कराया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था। हम जान सकते हैं मेंडल के नियम के आधार पर जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि उनसे हमें पता चल जाते हैं माता पिता के लक्षण कैसे संतानों में चले जाते हैं। लेकिन मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्तिता बनाई थी, यानी कि तत्वों के पीरियड बनाए थे, उस समय भी 7 पीरियड थे। तो लेंथेनाइड श्रेणी के जो लेंथेनाइड तत्व थे वो 4 प्राप्त थे, 4 ज्ञात थे, किस समय, मेंडलीफ के समय। ये 4 तत्व ज्ञात थे जिनमें 2 तत्वों को तीसरे आवर्त, किसमें, थर्ड आवर्त में, या बताएंगे थर्ड पीरियड में इन्हें स्थान दिया गया, और 2 तत्वों को फोर्थ पीरियड में स्थान दिया गया था। ये टोटल 4 थे, 2 थर्ड पीरियड में रखे गए थे और 2 रखे गए फोर्थ पीरियड में रखे गए थे, यानी कि 2 तीसरे आवर्त में और 2 चौथे आवर्त में रखे गए। इन तत्वों को रखने के बाद में फिर इनके लिए और भी तत्व, जैसे मेंडलीफ तो अपने तत्वों की आवर्तिता देकर चले गए इस दुनिया से, परलोक सिधार गए, लेकिन तत्वों की आवर्तिता का क्रम जारी रखने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तब जाकर बेबे राइनर ने अंत में जाकर इन तत्वों को सही रूप से व्यवस्थित कर पाया, जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। तो डेविन आयरन ने बस उनके सिद्धांत को सही से मॉडिफाई कर दिया था और तत्वों की आवर्तिता बना दी। जब तत्व तो ये ज़्यादा प्राप्त हो गए, 15 से 16 हो गए, तो इन तत्वों को उठाकर एक नई श्रेणी में रख दिया गया जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, फिर उसके बाद में बनाई गई एक्टिनॉइड श्रेणी। फिर इसका यफ, चूँकि इलेक्ट्रॉन जा रहा था यफ कक्षा में, यफ सब सेल में, उपकक्षक में, तो इसे यफ ब्लॉक का नाम दे दिया गया। ये आवर्त सारणी में अभी इनका कोई स्थान नहीं है। अगला पॉइंट लिखते हैं बी हेडिंग, इसके लिए बी हेडिंग लिखेंगे हम परमाणविक बा आयनिक
त्रिज्या। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में आवर्तता जान लेंगे, आवर्तता के गुणों में जैसे होते हैं आपका पै त्रिज्या, उसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके बाद में आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन या जान लेंगे, आकार जान लेंगे, रंग जान लेंगे, चुंबकीय प्रकृति जान लेंगे। तो इन सबको जान लेने के बाद में आप इन तत्वों को भी उसी प्रकार से बता सकते हैं जैसे आप बताएंगे परमाणविक आकार। इन तत्वों का परमाणविक आकार काफ़ी बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। तो यही आपको लिखना है कि लैंथेनाइड सीरीज के तत्वों का परमाणविक आकार एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? 4F कक्षा में। किसमें भरते हैं? 4F में। F कक्षाएं नहीं बढ़ती हैं, छोटी छोटे जो सब सेल हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक से दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, पाँच, छः, सात, आठ, जैसे जैसे F ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाएगा। ये हमने मान लिया आपकी 4F ऑर्बिट है, पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद में दो आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर चार, पाँच, छः, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बोथ इलेक्ट्रॉन या बोलेंगे एवरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि एवरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी अपने केंद्र की ओर नाभिक की ओर अट्रैक्शन करते हैं, खिंचाव करते हैं, और इस खिंचाव के कारण क्रमिक रूप से जैसे लैंथेनम सीरियम से चलेंगे प्रोसेरेक्टिडियम, उसके बाद में थोरियम समेरियम, जब तक लॉरेंसियम तक हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रमिक रूप से बढ़ते जाएंगे किस सेल में, पहले सीरियम के लिए एक, फिर आ जाएंगे दो, जैसे हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या F उप सब सेल में उप कक्षा में बढ़ती चली जाएगी। जब F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण गिनती के आधार पर बढ़ जाएगा तो परमाणु आकार घट जाएगा। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सब सेल में। एक इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण आप ये जान लीजिए, कोई गोला है और आप क्रिकेट का मैदान समझ लीजिए, क्रिकेट के मैदान में चारों ओर बाउंड्री होती है, बाउंड्री जो होती है हमारा मेन टर्निंग पॉइंट होता है, उसके बीच में कहीं केंद्र पर एक फुटबॉल रख दी जाए और कह दिया जाए एक बंदा उसके पास भागे, तो एक बंदे का अट्रैक्शन उससे कम होगा और धीरे धीरे एक हो जाए, फिर दो हो जाए, फिर तीन हो जाए, फिर चार हो जाए, चार से होते होते वो 14 पर आ जाए। तो 14 लोग जब उस गेंद को लेने के लिए भागेंगे और उस रस्से को खींच कर ले जाना है, बाउंड्री को खींच कर ले जाना है, तो उस गोले को खींच कर जल्दी से पहुँच जाएंगे, तो क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीरियम से जैसे ही आवर्त में चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे, जब हम ट्रेवल करेंगे कहां से कहां, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, कहां तक? ल्यूटीशियम तक। जब हम करेंगे ल्यूटीशियम तक ट्रेवल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर घटता जाएगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमिक रूप से F उप कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके बढ़ती चली जाएगी तत्वों के बढ़ने पर। तो एक भाषा में बोलेंगे कि लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं चलने पर या बोलेंगे बाएं से दाएं ट्रेवल करने पर F उप सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती, क्रमिक रूप से बढ़ती है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। जैसे हम मान लें सीरियम का इतना बड़ा तो प्रोसेरेक्टिडियम का इतना बड़ा, तो ये ऐसे धीरे 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 घटती चली जाएंगी। तो त्रिज्याएं धीरे धीरे आपकी घटती चली जाएंगी, और आयनिक त्रिज्याओं में भी यही कारण है। जब बाएं से दाएं हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे, कहाँ? सीरीज में, लैंथेनाइड सीरीज में, तो परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं डिक्रीज हो जाएंगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये सीरीज अभी ऐसी बनने देंगे, सी एडिंग होगी लेंथे
नाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिकुड़न, लेंथेनाइड सिकुड़न, क्योंकि इन तत्वों का जो पहली सीरीज है, इन तत्वों का नेतृत्व करने वाला कौन है? नेता। इनका, इन तत्वों का नेतृत्व करने वाला है नेता लैंथनम। कौन है? लैंथनम 57, क्योंकि इसी के बीच से और हाफ नियम 72 के बीच से ये तत्व निकाले गए हैं। तो लैंथनम 57 से हाफ नियम 72 तक जब हम श्रेणी में जाते हैं तो लैंथनम इसका नेतृत्व करता है, जैसे हमारे इस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, लोकसभा के नेता हैं। ऐसे ही इन तत्वों का नेता कौन है? लैंथनम। लैंथनम नेता है, तो इसका प्रभाव किन इन तत्वों की त्रिज्याओं पर पड़ता है? जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्याएं घटती जाती हैं। क्या होता है? बाएं से दाएं जब हम ट्रेवल करते हैं लैंथेनाइड सीरीज में, परमाणविक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। लेकिन जैसे परमाणविक त्रिज्याएं घटती हैं, लैंथेनाइड संकुचन वैसे बिल्कुल नहीं घटता है, क्योंकि इसमें क्रम बदल सकता है। किसी परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा कुछ, और कुछ किसी का छोटा हो जाएगा। बीच में तत्व कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो उन तत्वों का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन का कारण ये है कि जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे तत्वों में, तो लैंथेनाइड नेतृत्व करता है इन तत्वों का, तो इनकी परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। वो प्रभाव क्या होता है? लैंथेनाइड तत्व का, इसीलिए हम इसे कहते हैं लैंथेनम, लैंथेनाइड संकुचन। और परमाणविक त्रिज्याएं यहाँ से यहाँ तक घटती जाती हैं। जैसे ये गोला हमने इतना बड़ा मान लिया और अंत में इतना प्राप्त हुआ, ये बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अब यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, गोला घटता ही चला जाएगा। कहाँ तक? ल्यूटीशियम तक। तो ल्यूटीशियम तक जब तक ये गोला घटता जाएगा, यानी कि ये किसका प्रभाव बोला जाएगा? लैंथेनाइड तत्वों का। तो इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाती है अगली बात, नंबर डी, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के बारे में बताएंगे। लैंथेनाइड के तत्व, सभी तत्व चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, और ये तत्व इतने क्रियाशील होते हैं कि ये किसी ना किसी पदार्थ या मिट्टी, धूल, कंकड़, बजरी से जुड़े ही होंगे। तो इन तत्वों को खोज कर निकाला जाता है, कहाँ से? भूमि से। मृदा की भूपरपटी सतह खोजी जाती हैं तब ये तत्व प्राप्त किए जाते हैं, और ये बहुत ही महंगे तत्व होते हैं। इनकी बहुत ही उपलब्धता जो है प्रचुर मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। तो ये है कि भौतिक अवस्था में ये चांदी के समान, कैसी? जैसे चांदी दिखती है वैसे ही बिल्कुल समान होते हैं। और अगर वायु में रख दिया जाता है तो ये एक मड बन जाते हैं, मिट्टी जैसे बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें मृदा तत्व भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये कभी मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, ये प्रकृति में या बोले पृथ्वी पर संयुक्त अवस्था में ही उपस्थित होते हैं। तो ये हो गई इनकी भौतिक अवस्था, ये कैसे होते हैं? चांदी के समान सदृश। और हम बता दें कि इन ये तत्व उच्च सामर्थ्य और उच्च तनन क्षमता वाले होते हैं। इन तत्वों के क्या है, सामर्थ्य भी उच्च होती है और इनकी तनन क्षमता भी होती है उच्च, और इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, इनको गलाने में काफ़ी टेम्परेचर, तापमान हमें देना पड़ता है। अगला पॉइंट आ जाएगा डी, ई, घनत्व, जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी। बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्हें घनत्व के बारे में सही से जानकारी नहीं होती है, तो हम बताते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? जैसे जैसे यफ कक्षा में, जैसे हम अभी बता रहे थे कि क्रमिक रूप से एक एक करके, सीरियम में एक, अगले
परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन या कक्षा में होंगे, उससे अगले वाले में तीन, चार, पाँच, छः करते करते अंतिम इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएंगे, वो भी किस में, ल्यूटीटियम में, और वो भी यफ कक्षा में होंगे। ठीक है, यफ सब सेल बोलते हैं, सॉरी कक्षा नहीं बोलते उसको, सब सेल बोलते हैं, उपकक्षक में होंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो तत्वों का घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। इनके घनत्व बहुत उच्च होते हैं, इनमें वजन बहुत ज़्यादा होता। अगर एक बर्तन में, एक बराबर के बर्तन में इन तत्वों को भर दिया जाए और एक बराबर के बर्तन में दूसरी अन्य तत्व धातुएं या कुछ भी ले लिया जाए तो इनके घनत्व बहुत उच्च होते हैं। बस ओस्मियम धातु को छोड़कर, ओस्मियम धातु से ज़्यादा किसी का घनत्व नहीं होता है। तो इन तत्वों के बाएं से दाएं ट्रेवल करेंगे तो इनके घनत्व तो बढ़ते चले जाते हैं, डेंसिटी इनकी बढ़ती चली जाती है जब तक हम ल्यूटेशियम पर जाते हैं। अब आ जाता है एफ पॉइंट, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों में जो लेंथेनाइड सीरीज होती है इनके परमाणु आकार बहुत बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े। और जिन तत्वों के बताते हैं नियम, हमने टेंथ से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिन तत्वों का परमाणविक आकार बड़ा होता है, यानी के नाभिक से यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन कम होता है, उनकी आयनन सामर्थ्य या आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, इतने नाम आप ले सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा, एंथैल्पी, आयनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। जब तत्वों का आकार बड़ा होता है तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा हमें कम खर्च करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज में जो तत्वों की आयनन ऊर्जा होती है उसका मान कम होता है, लेकिन हम जब ट्रेवल करते हैं बाएं से दाएं, कहाँ करते हैं ट्रेवल करते हैं बाएं से दाएं, तो यफ उपकोश में, कौन से उपकोश में, यफ उपकोश में एक से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, परमाणु त्रिज्याएँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, संरचना छोटी हो जाती है। तो संरचना छोटी हो जाती है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, फिर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो बोलेंगे कि जब हम लेंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं ट्रेवल करेंगे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का, एफ कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाता है और आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। अब आ जाएगा एफ डी, ई एफ जी पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था है, इनमें सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला तत्व तो ये है, फिर उसके बाद में आपका पूछा जाने वाली पॉइंट, सॉरी तत्व बोल रहे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है लेंथेनाइड संकुचन। और आप जान गए जो परमाणविक त्रिज्याओं का आकार घटता है, नेतृत्व कौन करता है, लेंथनम। उस लेंथनम के प्रभाव के कारण जब सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो परमाणुओं का आकार घटता चला जाता है, यह प्रभाव कहलाता है लेंथेनाइड। लेकिन ये क्रमिक नहीं होता, क्रम से नहीं होता है, कभी परमाणु देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटे हैं, छोटे बड़े बीच में हो सकते हैं, लेकिन लगातार घटते जरूर जाते हैं। जितना बड़ा पहला परमाणु होगा आकार, उतना बड़ा उसका अंतिम परमाणु का आकार बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कारण है कि लेंथेनाइड तत्वों का जो अट्रैक्शन होता है उसी के कारण जब परमाणु आकार घट जाता है, उनकी रेडियाई घट जाती है, परमाणु छोटे हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। सिकुड़न जो होती है परमाणु में, जब आकार घटता है तो सिकुड़ जाता है, जैसे आप देखते हैं कपड़े सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ही ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है लेंथेनाइड संकुचन बताइए।
तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर बताते हैं। अब आ जाती है बात कि लैंथेनाइड तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्योंकि हम लास्ट में लिखते हैं NH2 और F में होता है बन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में जब संयोग करते हैं तो एक इसका और दो NH2 के इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। दो ये बंध बनाता है, एक ये, तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितनी होती है? +3। इसको अब यहाँ पर रफ कर देते हैं। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन सीरियम 58 जिसकी F कक्षा में 0 होता है, यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उसके बाद में आपका आ जाता है यूरोपियम आपका होता है 65, ये होते हैं 7, ये आपकी यूरेनियम आपका 63 होता है, सॉरी 63 होता है, ये आपकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये कुछ तत्व होते हैं जैसे यूरोपियम है, इटरबियम होता है, बाई बी में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इस इटरबियम में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, सॉरी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ तत्व हैं जो बदली हुई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनकी सामान्य जर्नल, जैसे हम बोलेंगे कम से कम हर एक एलिमेंट कम से कम कितने बंध बना सकता है, कम से कम तो ये 3, ये इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन कुछ तत्व तो बदली हुई ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे सीरियम में जब 4F0 होगा तो 4 होगी, और 4F7 होगा तो 4 होगी, और इटरबियम की 4F14 होगा तो +2 होगी। तो ये इनकी बदली हुई ऑक्सीकरण अवस्था है। हम बोल सकते हैं कि F ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती मतलब होता है एक्सचेंजमेंट वाली, जिनकी अलग अलग हो, इसकी भिन्न भिन्न हो। परिवर्ती मतलब भिन्न भिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हो, जबकि एक ही श्रेणी के सभी तत्व हैं, बदली हुई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे, तो इसे हम बोलेंगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रासायनिक रंग, फिर आ जाएगी रासायनिक क्रियाशीलता। कुछ गले में ताकत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समय से पहले हमें कराना है, सॉल्व भी आपके लिए हल करवाना है। रंग आपको हमने पहले ही GH आ जाएगा पॉइंट, तो रंग आपको हमने पहले ही बताया कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते, सॉरी एफ ब्लॉक में जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो सभी चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। तो इनकी एक क्वालिटी होती है कि जब ये आयन बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएं? अयुग्मित, कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, और जब वो इलेक्ट्रॉन युग्मित, दो कारण हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो जर्नल तो ये चांदी के समान है, कैसे हैं? चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। कौन? लैंथेनाइड के तत्व चांदी के समान सदस्य सफ़ेद होते हैं, और जिनमें इनके आयनों में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये रंगीन होते हैं, कैसे? रंगीन। और इनमें अगर जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाए, तो ये होते हैं रंगहीन। अब आप समझ गए होंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों में जो लैंथेनाइड सीरीज होती है उनका जर्नल जो रंग होता है वो चांदी के समान होता है, कैसा होता है? चांदी के समान। ये गड़बड़ी हो रही है क्योंकि तबीयत में ज़्यादा कुछ अच्छाई नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ी हो रही है, बार बार डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक बोलते चले जा रहे हैं।
तो ये एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड श्रेणी है, ये सभी तत्व चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। कैसे होते हैं? चांदी सफ़ेद। लेकिन इनके आयन, जब ये आयन बनाते हैं, आयन में यदि अयुग्मित इनके आयन बने हों और उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो होते हैं रंगीन, और युग्मित हों जोड़े के तो होते हैं रंगहीन। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इनकी बताते हैं एच आई, रासायनिक क्रियाशीलता। ये तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जल, वायु, मिट्टी, किसी हेलोजन, किसी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं। देखिए बताते हैं, नंबर आई, रासायनिक क्रियाशीलता। क्रियाशीलता याद रखेंगे कि इनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 होती है, तो वैसे ही तो इसके अंदर पहला पॉइंट होगा जल से क्रिया, जल से क्रिया। देखिए ये जल से क्रिया करके LN यानी कि लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों को हम हर बार नहीं लिख सकते, तो उनको एक शब्द से सिमेट देते LN यानी कि सभी लेंथेनम वाले लेंथेनम श्रेणी के तत्व। तो LNOH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए कैसे LN यानी कोई भी लेंथेनाइड का सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक तत्व हो सकता है। जल से क्रिया करेगा तो जल को हम लिखेंगे HOH, और यहाँ पर लगाएंगे हम दो का मल्टीप्लाई। दो का मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा नहीं, तो हम कितने का करेंगे यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएंगे 3, और यहाँ पर कर देंगे 2 का। देखिए कैसे पहले हम इसको बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे आप तो जल्दी जल्दी से किए दे रहे हैं, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो ये लेंथनम का कोई भी तत्व हो सकता है, और ये वाटर, ये ऐसे हाइड्राइड बनाते हैं क्योंकि इनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये कम से कम 3 बंध तो ज़रूर बनाएंगे, यानी कि LN 3 बंध तो ज़रूर बनाएगा, तो इससे OH 3 बार जुड़ेगा। तो ये देखिए LNOH का होल थ्राइज बन गया। अब हमें ये 3 चाहिए, और जब भी लेंथेनाइड जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। हम यहाँ 3 से अगर क्रिया करें तो ये हाइड्रोजन 3 नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लें अंक, जिसमें हम कर लें 6 की हम अभिक्रिया करें तो यहाँ पर 3H2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 3H2। अब कितने हो गए? ये 6OH भी हो गए, जबकि हमने लिखे कितने, 1, 2, 3। अब लेंथनम को 2 कर दीजिए और इधर 2 का मल्टीप्लाई करिए। लेंथनम 2 और 2 एकन 2, तो 2, 4, 6 हो गए आपके। ये ऐसे जब जल से क्रिया करते हैं तो 3-हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं, 3-हाइड्रोक्सी। जैसे हम बुझे हुए चूने को लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइज, जिसको एक बार में आप ऐसे लिखा देखते हैं CaOH का होल ट्वाइज। ये जानते हैं कैल्शियम की संयोजकता या आक्सीकरण अवस्था +2 होती है, इसी कारण लेंथनम की 3 होती है, तो आपको 3 लगाने होंगे, याद रखिए इस बात को। अब अगली पॉइंट कर देंगे आपके, कराएंगे बी, ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया जब हम कराएंगे तो बताएंगे कि लेंथनम तत्व है और O2 से क्रिया कराएंगे, तो ये LN2O3 प्रकार के ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ये 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी लग रहा था 2, तो ये बना देगा LNO3, जबकि ऑक्सीजन आपको O2 लिखना पड़ती है, तो 2 को हम 3 में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए और ये 2 हो गए, तो 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 × 2 = 6, लेकिन लेंथनम कितने हो गए, 2। लेंथनम का कोई भी लेंथेनाइड सीरीज का यहाँ पर तत्व रखिए, चाहे वो आपका बन जाए Ce2O3, सीरियम ट्राईऑक्साइड। ये इस प्रकार से तत्वों का हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अभिक्रियाएँ कराते हैं, जल से कराएं, क्योंकि ये तत्व लेंथेनाइड सीरीज में जो 14 एलिमेंट रखे गए हैं वो सभी एलिमेंट बहुत ही क्रियाशील होते हैं। अगली अभिक्रिया कराते हैं सी, हाइड्रोजन
से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये LnH3 प्रकार के ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। तो लीजिए LN यानी लेंथनम का कोई भी तत्व लेंथेनाइड सीरीज में हो, चाहे शुरुआत करें सीरियम से, लिप्रोसोडियम, प्रोमेथिडियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डिस्पुट, ये सभी आप लिख दें जितने भी हैं, जब तक ल्यूटीशियम तक ना जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथनम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा LnH3, और जबकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 करिए और 2 का मल्टीप्लाई करिए, दो दो तिया छः, तो लेंथियम को कर देंगे हम 2। ये इस प्रकार के ऐसे ही हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड सी के बाद आ जाएगा आपका डी, हैलोजनो, हैलोजनो से अभिक्रिया, और हैलोजन आप जानते हैं कि 4 हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, वो एक्स। ये LnX3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं, कैसे, LnCl2 लिख दो, करा दिया तो ये बनाएगा LnCl3, जबकि यहाँ Cl2 लिया है, तो हम यहाँ क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, तो 2 × 3 = 6, और 2 का इधर लगा दें तो पूरा आपका काम हो गया। तो अब ये हो गए आपके लेंथेनाइड तत्वों के गुण, इसके बाद में आ जाएंगे आपके एक्टिनाइड तत्वों के गुण, एक्टिनाइड, क्योंकि दूसरी श्रेणी आपकी एक्टिनाइड ही है, बिल्कुल सेम गुण हैं, बस थोड़ी सी भिन्नता पाई जाएगी इनके गुणों में, और इसको रब कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी परेशानी अगर आपको समझ नहीं आता है, एक बच्चे ने कमेंट किया है, स्टूडेंट ने बताया है कि सर आपने ऑर्गेनिक चैप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, पहले भाई इसको पढ़ लो, बस कुछ ही दिन, 2 से 8 दिन, 4 दिन में आपका ये बुक्स बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सेकंड बुक को ऐसे बताएंगे, मिनटों में आप रासायनिक अभिक्रियाएँ पलक झपकते ना कर दें तो अपना नाम बदल देंगे, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रियाओं को ऐसे सिखा देंगे, चाहे वो नाभिक स्नेही हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही हो, इनमें आपको उनकी शब्दों में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए आप अभिक्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा कंपोजिशन कहाँ डालना है, कब अपचयन होना है, किससे होना है, ऑक्सीकरण किससे होना है, या नाइट्रेशन किससे होना है, डिहाइड्रेशन किससे होना है, इन सारी अभिक्रियाओं की कन्फ्यूजन और नाम वाली अभिक्रियाओं की कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देंगे आपके। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्टिनाइड तत्वों के गुण, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चलते चलते ही लाइक कर दें, ताकि और भी आपसे जुड़ने वाले मित्र और भी पहुँच जाए, उन तक पहुँच जाइए। तो अब हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड तत्वों के गुण, जिसमें पहली हेडिंग होगी आपकी भौतिक अवस्था, तत्व को पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। अब आप जानते हैं कि एक्टिनाइड तत्व एक्टिनम 89 से रुथरफोर्डियम 104 के बीच से निकाले गए 14 तत्व, और उसकी एक सीरीज बना दी गई, सेकेंड सीरीज, जो ये सीरीज है सेकेंड सीरीज, जिसमें 14 तत्व रखे गए, आखिरी में LRI, लोरेंसियम और पहले थोरियम, इनका प्रतिनिधित्व, इनका नेता होता है एक्टिनम, इन्हें ही एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। ये थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेशियम, यूरेनियम, इनसे स्टार्ट होकर लॉरेंसियम पर समाप्त होती। कई तत्व हैं, हमने आपको बताया था, थोड़े पहलवान उनसे लड़ेंगे, किनसे लड़ेंगे, थोड़े पहलवान उनसे लड़ेंगे, ऐसे हमने बताया था, और कुछ और उसे लड़ेंगे। तो यहाँ पर एक हमने ट्रिक बताई थी, जो आपसे उसी ट्रिक से आपको याद करना है। तो आपको अब हम बताते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व चांदी, चांदी के समान सफ़ेद होते हैं,
चांदी के समान भौतिक अवस्था में सभी एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट जो होते हैं वो चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, वैसे ही बिल्कुल चांदी जैसे चमकती वैसे सफ़ेद होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही महंगे तत्व हैं, जो यूरेनियम है वो तो जानते हैं सभी लोग, सोने से 100% महंगा होता, अधिक 100 गुना महंगा होता है। यानी कि 100 गुना महंगा का मतलब है कि 1 रुपये में अगर जो चीज़ खरीदी है जो उसके 100 का गुणा हमें कर देना है। तो यहाँ ये चांदी के समान जिसमें अमरेसियम होता है, आपका अमरेसियम सबसे ज़्यादा घनत्व वाला होता है। तो ये हो गई इसकी भौतिक अवस्था। ये सभी तत्व चांदी के समान सफ़ेद और इनमें अमरेसियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, और यूरेनियम के बाद में जो शेष तत्व रखे गए हैं लॉरेंसियम तक, ये सभी मानव निर्मित तत्व हैं, क्योंकि ये तत्व प्रकृति में नहीं बिल्कुल पाए जाते। यूरेनियम पर अल्फा बीटा कणों की बमबारी करके जब नाभिक से नाभिक जुड़ गया तो एक नए तत्व का निर्माण हुआ, तो वो तत्व धीरे धीरे इन खानों में रखे गए ये शेष स्थान थे, तो ये श्रेणी बन जाती एक्टिनाइड श्रेणी। निकाला कहाँ से गया? एक्टिनम 89 से रदरफोर्डियम 104 के बीच, सॉरी 103 लिख दिया, 103 यहाँ है और 90 यहाँ पर है। तो ये हो जाता है आपका भौतिक अवस्था। उसके बाद में आ जाती है ऑक्सीकरण अवस्था, नंबर बी पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। आप जानते हैं लेंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के तत्व भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था। कैसी +3? सामान्य होती है, जर्नल हर किसी तत्व की होगी, चाहे वो थोरियम प्लूटोनियम सभी की +3 तो ऑक्सीकरण अवस्था होगी। आगे पीछे हो जाती है तो बोलते हैं कि लेंथ एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें थोरियम +4, प्रोटेक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपच्यूनियम +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जर्नली तो इन सभी तत्वों की +3 +3 +3 यहाँ से लेके लॉरेंसियम तक +3 होती है, ठीक है। लेकिन ये तत्व जैसे थोरियम है +4 प्रदर्शित करता है, प्रोटेक्टिनियम है ये 5, और ये यूरेनियम है +6 तक जाता है, +3 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, नेपच्यूनियम +7 तक। उसके बाद में होता है कैलिफोर्क्यूरियम और बर्केलियम BK, ये लोग +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी +3, लेकिन थोरियम +4 और प्रोटेक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें कुछ तत्व और भी हैं, जो क्यूरियम है और बर्केलियम है, ये +4 +3 से +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग को जानना है। इसके बाद में आ जाता है आपका रंग, अगली रंग ABC। अब हम रंग जानेंगे। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5F0 कितना 5F0 5F7 5F14 होता है, इस श्रेणी में जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आए 5F0 5F7 5F14 वो सभी तत्व कैसे होते हैं? रंगहीन, इनमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, बिना कलर के होते हैं। इनके आयन कलर के हो सकते हैं क्योंकि आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और शेष सभी तत्व, शेष जो बचे हैं इनके अलावा, तीन के अलावा शेष तत्व रंगीन होते हैं। यही आपको इतनी बात लिखनी है, अगर रंग पूछा जाएगा कि 5 एक्टिनाइड श्रेणी में जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F0 5F7 5F14 होता है, वे सभी तत्व रंगीन होते हैं, बाकी सभी इन तत्वों को छोड़कर शेष रंगीन होते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट आयनन ऊर्जा, ABCD हो जाएगा आपका
आयनन ऊर्जा। तो हम बताएंगे कि जैसे हम जा रहे थे लेंथेनाइट सीरीज में ट्रेवल कर रहे थे बाएं से दाएं, ऐसे हम ट्रेवल करेंगे थोरियम से लॉरेंसियम तक। कहाँ तक ट्रेवल करेंगे? थोरियम से लॉरेंसियम तक। तो परमाणु स्ट्रक्चर जो होता है, एटॉम का जो साइज होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है धीरे धीरे। जितना बड़ा थोरियम का, उससे छोटा प्लूटोनियम का, फिर यूरेनियम का, फिर प्रोटोक्टीनियम का होगा, फिर ट्यूरियम का, फिर बर्केलियम का, फिर आइंस्टीनियम का, फिर फर्मियम का, फिर मेंडेलिबियम का, फिर नोबेलियम का, फिर लॉरेंसियम का। इन तत्वों का आकार धीरे धीरे, जैसे जैसे हम थोरियम से लॉरेंसियम तक जाएंगे, तो घटता जाएगा। तो इनकी आयनन ऊर्जा, और जब परमाणु का आकार घटता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत पावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालने के लिए हमें ऊर्जा का बढ़ानी पड़ेगी। तो बोलेंगे कि हम थोरियम से लॉरेंसियम तक जब ट्रेवल करते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, सुनते जाइए मेरे साथ, क्योंकि जब हम जाएंगे किसमें, एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं ट्रेवल करते हैं, जाते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, तो परम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। क्योंकि अब आपको लिखना होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, 90 से कितने पहुंच रहे हैं, 103। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाता है, परमाणु साइज छोटा हो जाता है, उसकी त्रिज्याएं घट जाती हैं और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब आ जाएगी डी ई एडिंग, परमाणविक बा आयनिक त्रिज्या जो अभी बोल रहे थे सेम आपको बोलना है। इसका नेतृत्व करता है एक्टिनम। कौन करता है? एक्टिनम। इसका नेता होता है, इन तत्वों का नेता है एक्टिनम। जब हम देखते हैं इन श्रेणियों को, इन तत्वों के परमाणुओं को देखते हैं, तो थोरियम से लॉरेंसियम तक घटता जाता है, लेकिन इसका क्रम सही नहीं होता है कि घट जाता है, कभी ज़्यादा होता है शायद, तो कभी बड़ा होता है, कोई पहले बड़ा होता है, कोई बाद में बड़ा होता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है? जब हम थोरियम से लॉरेंसियम तक ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बढ़ जाता है, तो परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं दोनों घट जाती हैं। तो क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि ये बायां है और उधर दायां है, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, क्योंकि यफ 5F कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाता है, परमाणु साइज छोटा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिनाइड संकुचन भी कहते हैं। त्रिज्याओं में, ऐसे बोल सकते हैं आगे, त्रिज्याओं में हुई ये कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। अब आ जाएगी सक्रियता, नंबर ए बी सी डी ई एफ, सक्रियता। ये तत्व इतने सक्रिय होते हैं, क्या बताएं कितने सक्रिय होते हैं। ये तत्व इतने सक्रिय होते हैं कि इन तत्वों को अगर आप कहीं खुले स्थान में रख दें, तो इन पर एक रच्छी परत चढ़ जाती है, एक धूमिल हो जाते हैं, जैसे धुएं के माफिक कोयला जैसा दिखता है, भूरा भूरा पदार्थ। ये सभी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आप वायु की उपस्थिति में रखेंगे तो धूल के जैसे हो जाएंगे, तो इन तत्वों को धूमिल भी कहते हैं। लेकिन और इनकी सक्रियता हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बहुत जल्दी अपघटित हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ इनकी सक्रियता घट जाती है, तो ये हो गए एक्टिनाइड और लेंथेनाइड तत्वों के गुण। अब ये चैप्टर हो गया बिल्कुल ही समाप्त।
अब यदि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, और जितने भी आपके मित्र बंधु सखा जो भी हैं उनमें चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें बताएं, मोटिवेट करें कि इस चैनल पर ए टू जेड क्लासे चलती हैं और पूरा ऑल टोटल सिलेबस पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर गारंटी मिलती है कि आप अगर सही से हर वीडियो को पढ़ेंगे तो 100 में से 100 आप लगा सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।